ये है उत्तर मध्य भारत में स्थित वीरों की धरती बुंदेलखंड। यहाँ के पीहड़ों से संघर्ष करते मानव की गाथा लाखों साल पुराने पत्थर के औजारों में मिलती है। पुरातात्विक साक्ष्य मंदिरों की खूबसूरती से तराशी हुई मूर्तियां सृजनशीलता ही नहीं अपितु मानव इतिहास की अविराम धारा की साक्षी है। बलिदान के रंग से सिंचित इस भूमि को बुंदेल राजपूतों ने नाम दिया और गौरव भी। बुंदेल राजाओं में एक थे मुगल मनसबदार और सम्राट जहांगीर के मित्र ओरछा के राजा वीर सिंह जूदेव। उन्होंने बंगरा नामक पहाड़ी पर 1613 ईस्वी में एक किले का निर्माण कराया। ये स्थान बलवंत नगर के नाम से जाना जाता था। कालांतर में यही झांसी नाम से मशहूर हुआ। बुंदेलखंड लंबे समय तक मुगल साम्राज्य का अंग रहा और बुंदेल राजपूत उनके मनसबदार। मुगल शक्ति के कमजोर होते ही बुंदेल राजा छत्रसाल ने परिस्थिति का लाभ उठाया और पेशवा बाजीराव प्रथम से मदद की गुहार लगाई। इस प्रकार 1730 के दशक में बुंदेलखंड मराठा प्रभाव में आ गया। 1742 में मराठा पेशवा ने अपने एक सरदार नारू शंकर को झांसी और उसके आसपास के भागों का गवर्नर बना दिया। नारू शंकर ने किले का विस्तार ही नहीं बल्कि झांसी नगर का भी विकास किया। नगर के परकोटे का निर्माण शिवराव भाव ने 1796 से 1814 के मध्य करवाया। इस बीच मराठों और अंग्रेजों के बीच 1802 और 1817 की संधियों ने झांसी को पेशवा के स्थान पर ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन एक राज्य बना दिया। नई नई मांगे और दिन प्रतिदिन के कामों में ब्रिटिश हस्तक्षेप झांसी की नियति बन गई। अब राजा की सत्ता न मात्र की रही। राजा गंगाधर राव के दत्तक पुत्र दामोदर राव के वैधानिक पुत्राधिकार को नकार दिया गया और 1853 में उनकी मृत्यु के पश्चात झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य का अंग घोषित कर दिया गया। उनकी रानी लक्ष्मीबाई को 7000 की पेंशन देने की बात की गई। उन्हें महल में रहने की इजाजत दी गई किंतु रानी ने इसे अन्याय करार दिया और कहा, रानी ने नाइंसाफी के विरुद्ध गुहार लगाई किंतु अंग्रेजों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। इस नाइंसाफी का शिकार सिर्फ झांसी ही नहीं हुआ, मुल्क के अनेक रियासतें या तो अंग्रेजों ने येन प्रकारेण अपने कब्जे में ले लिया था या फिर उनकी लालच भरी नजर उन पर थी। बहादुर शाह जफर मुल्क के बादशाह थे किंतु हकीकत में दिल्ली में लाल किले में ब्रिटिश कैदी थे। नाना साहब कहने को मराठा पेशवा थे किंतु अंग्रेजों की नजर में पेंशनर से अधिक कुछ भी नहीं। अवध के बादशाह वाजिद अली शाह को अयोग्य करार देने की तैयारियां चल रही थी। ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों के आटे में हड्डी का चूरा और कारतूसों में गाय तथा सुअर की चर्बी मिलाकर उनके धर्म को नष्ट करने की आशंका थी। चिंगारी तब तक सुलगती रहती। 10 मई 1857 को मेरठ में ब्रिटिश सेना के सिपाहियों ने अपने अंग्रेज मालिकों से बगावत कर दी। मेरठ से बगावत की ये चिंगारी दिल्ली पहुंची और मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का नेतृत्व मिलते ही क्रांति की ज्वाला में तब्दील हो गई। कानपुर में नाना साहब ने मुगल बादशाह को अपना नेता माना तो बेगम हजरत महल के नेतृत्व में अवध चलने लगा। बरेली में हिंदुओं और मुसलमानों की एकता ऐसी थी कि उन्हें आपस में लड़ाने के अंग्रेजों के सारे प्रयास विफल हो रहे थे। दिल्ली की क्रांति की खबर झांसी में नियुक्त 12वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में 5 जून 1857 को कागज की एक चिट के रूप में पहुंची जो क्रांति की धनकती हुई चिंगारी साबित हुई। 6 जून 1857 को 4 अंग्रेज अफसर मौत के घाट उतार दिए गए। जेल के दरोगा बख्शीश अली ने बागी होकर क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया और कैदी आजाद कर दिए गए। अंग्रेजों की स्थिति नाजुक हो गई और अपने परिवारों के साथ किले में सिमट गए। क्रांतिकारियों ने किले की दीवारों पर आग बरसाना शुरू कर दिया। उन्होंने रानी को अपना नेता घोषित कर दिया।
8 जून को कैप्टन गार्डन मस्कट का शिकार हो गया। अब किले में ना तो बारूद बचा और ना खाने पीने का कोई सामान। कैप्टन स्कीन के नेतृत्व में अंग्रेज नीचे उतरने के लिए मजबूर हो गए। किला फतह करने के प्रयास में अनेक क्रांतिकारी मारे गए। जोखनबाग के सारे अंग्रेज कैदी मौत के घाट उतार दिए गए। झांसी में अब ब्रिटिश सत्ता समाप्त हो चुकी थी। क्रांतिकारी 11 जून 1857 को दिल्ली की ओर रवाना हो गए। रानी लक्ष्मीबाई ने 12 और 14 जून को लिखे कूटनीतिक पत्रों से सागर के कमिश्नर से क्रांति की परिस्थितियों को स्पष्ट किया और झांसी में शांति बहाली की अनुमति मांगी। जवाब सकारात्मक था। लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मणिकर्णिका था और बचपन नाना साहब के बिठूर में व्यतीत हुआ। वो अंग्रेजों की कपटपूर्ण नीतियों से परिचित थी। उन्होंने प्रशासन के साथ साथ सेना को भी मजबूत करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते रानी ने बुंदेलों, मराठों और पठानों से युक्त विशाल सेना तैयार कर ली। अपनी वफादारी और शौर्य के लिए मशहूर काबुली पठान रानी के व्यक्तिगत सुरक्षा गार्ड थे। झांसी के किले में 30 से अधिक तोपें और 500 मन बारूद दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए तैयार था। चंदेरी, ओरछा, शाहगढ़, बानपुर, सागर, ग्वालियर, चालौन, कारपी, कानपुर, जहां देखो वहीं क्रांतिकारियों का दबाव बढ़ता जा रहा था। रानी क्रांतिकारी नेताओं के निरंतर संपर्क में थी। उधर सितंबर 1857 में दिल्ली के पतन के पश्चात अंग्रेजों के हौसले बढ़ गए। 14 फरवरी 1858 को रानी ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध का बिगुल बजा दिया। रानी के पिता मोरूपन तांबे, जिन्हें झांसी के लोग मामा साहब कहते थे, क्रांतिकारियों की मदद कर रहे थे। मेजर जनरल ह्यूरोज के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना झांसी के बाहरी अंचल में थी। झांसी नगर और किले की मजबूती को देख उसने तोपखाने और इंजीनियर्स की मदद से किलेबंदी की जासूसी का निर्णय लिया। उसे 5 दिनों की जासूसी के बाद ये पता था कि प्राकृतिक रूप से अत्यंत ऊंची पहाड़ी पर स्थित इस किले की 16 से 20 फीट चौड़ी पुर्जों से युक्त दीवारें अभेद्य हैं। अनेक स्थानों पर लूपहोल्स की 5-5 श्रृंखलाएं। इस किले की सुरक्षात्मक मारक क्षमता से ह्यूरोज ने बचने की पूरी रणनीति बनाई। इस प्रकार 25 मार्च को ह्यूरोज ने गोलीबारी शुरू की। गुलाम गौस खान के नेतृत्व वाले झांसी के तोपखाने के जवाब से ब्रिटिश चकित थे। आपके गोले का उत्तर था आपका गोला। महिलाओं और फकीरों को तोपखाने का संचालन करते देखा गया। झांसी नगर के कई मोहल्ले धूं धूं करके चल रहे थे। अचानक गुलाम गौस खान तोप के एक गोले का शिकार हो गए। कालपी से आकर तात्या टोपे की सेना ने किले को मुक्त कराने का प्रयास किया, किंतु ये प्रयास भी विफल रहा। रानी को यह एहसास हो गया कि किले की सुरक्षा अब असंभव है। 4 और 5 अप्रैल की रात रानी अपने दत्तक पुत्र को लेकर अपने चुनिंदा घुड़सवारों के साथ बच निकली। रानी के पिता मामा साहब नगर के बाहर पकड़े गए और उन्हें अंग्रेजों ने फांसी दे दी। झांसी की सेना के सिपाही मरते दम तक लड़ते रहे। रानी के एक एक सुरक्षा गार्ड की जान की कीमत कई कई अंग्रेज थे। ब्रिटिश सेना झांसी की सड़कों पर तकलेआम कर रही थी। एक एक छापे में 200 नागरिकों को मारा गया। जो लोग जलते हुए शहर से बचे उन्हें अंग्रेज सिपाहियों ने गोलियों से भून दिया। लोगों को घर और फूस में छुपते देखा गया, किंतु अंग्रेजों ने यहां भी आग लगा दी। जो महिलाएं और बच्चे बचे उनके पास अपने अपनों को ना तो दफनाने के लिए कफन था और ना जलाने के लिए लकड़ी। उधर रानी जगह जगह पर अंग्रेजों से लड़ते हुए कालपी पहुंची और वहां से ग्वालियर। वहां लेफ्टिनेंट हार्डिंग, कैप्टन हेनेस, कैप्टन बोर और लेफ्टिनेंट रेले की अगुवाई वाली ब्रिटिश सेना से घमासान युद्ध हुआ। रानी के सीने पर एक गोला लगा और वो 18 जून 1858 को वीरगति को प्राप्त हो गई। रानी का दुश्मन मेजर जनरल ह्यूरोज उनकी वीरता से प्रभावित हुए बिना नहीं रहा। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य की गाथा अमर हो गई।
50 एकड़ में चुपचाप खड़ा झांसी का दुर्ग, शहर की दीवारें, रानी का महल और यहां मौजूद कब्रें हमें पहले स्वतंत्रता संग्राम की कहानी कहते प्रतीत होते हैं। यही है झांसी दुर्ग।